दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आजकल जो चर्चाएं कर रहे हैं वो लगभग सभी हरियाणा विधानसभा चुनावों से संबंधित हैं और कई बार हमें कुछ चीजें इसलिए भी रिपीट करनी पड़ती हैं कि हमारे दर्शक हर बात को समझ नहीं पाते हैं या देख नहीं पाते हैं, जिससे कि जो हरियाणा के चुनाव हो रहे हैं उनकी बारीकी से हर एक मुद्दे पर उनकी नजर रहे और उनके जो उम्मीदवार हैं वो कैसे हैं, कितने पैसे वाले हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, उस सब का भी उनको थोड़ा बहुत अंदाजा रहना चाहिए। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, खासकर मुद्दा जो वो ये है कि पहले तो कुछ ऐसा हुआ नहीं करता था दशकों पहले जब चुनाव होते थे, लेकिन सेशन जी जब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे तो उन्होंने कई क्रांतिकारी परिवर्तन चुनावों के लिए किए थे, जिनमें एक ये भी था कि उम्मीदवारों को अपनी शिक्षा और उनके पास जिस दिन वो चुनाव लड़ रहे हैं, जिस वक्त वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास कितनी संपत्ति है उसकी घोषणा उन्होंने आवश्यक बना दी थी। वरना नेताओं के बारे में प्रदेश की जनता को या देश की जनता को कुछ पता नहीं चलता था कि जो हमारा उम्मीदवार है, हमारा नेता है, उसकी कितनी शिक्षा है और उसके पास कितनी धन संपत्ति है। तो उन्होंने ये किया, तो उसके बाद से हाँ ये भी कि वो विवाहित है, शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, मतलब पूरी जानकारी बारीकी से अब हर उम्मीदवार को अपने घोषणा पत्र में, अपना जो चुनाव का पर्चा भरा जाता है उसमें सारी जानकारी देनी पड़ती है। तो हम मुख्य रूप से किस उम्मीदवार के पास कितना धन है, क्योंकि आम आदमी कोई लखपति हजारपति तो सपने में भी चुनाव लड़ने की आज की तारीख में सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन इस बार इस स्टोरी में या इस वीडियो में जो मैं मुख्य रूप से आप लोगों को बताना चाहता हूं वो ये है कि जो नेता या उम्मीदवार घोषणाएं करते हैं, विशेषकर कि उनके पास कितनी धन संपत्ति है, कितना कैश है, कितना गोल्ड है या कितना क्या है, या टोटल वो कितने धन के मालिक है, उसकी जो घोषणा की जाती है उसको सुनकर या समाचार पत्रों में देखकर हंसी आती है। जो किसी शहर के, गांव के, स्टेट के या देश के विकास के लिए पैसा आता है, ये भ्रष्ट नेता नौकरशाह उसका बंदरबांट कर लेते हैं। मैं बार बार उदाहरण देता हूं, पूरे देश में सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन मैं नगर निगम फरीदाबाद का अक्सर उदाहरण देता हूं कि 200 करोड़ का वहां पर घपला है, जो कथित रूप से वहां के अधिकारी, ठेकेदार, नौकरशाह हजम कर गए। यानी वो काम हुए ही नहीं, वो सड़कें बनी ही नहीं, वो विकास कार्य हुए ही नहीं जिनकी घोषणाएं नेताओं ने या मुख्यमंत्री ने अपने भाषणों में की थी, अपने घोषणा पत्र में की थी, या समय समय पर इस तरीके से उन्होंने जनता को लुभाने के लिए वो वादे किए थे। और वो वादे ऐसा नहीं कि पूरे हो ना सके, वो सिर्फ पूरे होते नहीं है इसलिए कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि जो
विकास कार्यों के लिए पैसा होता है वो विधायकों मंत्रियों नौकरशाहों सांसदों की जेब में चला जाता है। और उसका उदाहरण मैंने नगर निगम का दिया कि 200 करोड़ के बिल पास कर दिए गए बिना सड़क बनाए या जो और जिन कामों के लिए वो पैसा अलॉट हुआ था अधिकारियों ने कागजों में वो काम पूरे दिखा दिए, विकास कार्य पूरे दिखा दिए और जमीन स्तर पर वो काम हुए ही नहीं और ठेकेदारों को 200 करोड़ आमंत्रित कर दिए गए, बांट दिए गए। इससे बड़ा उदाहरण भ्रष्टाचार का हो नहीं सकता। और जो मैं कहना चाह रहा था खास रूप से कि जितना वो शो करते हैं कि हमारे पास इतनी धन संपत्ति है उससे कई गुना ज्यादा होता है। अब जैसे कि सावित्री जिंदल है, वो देश की सबसे बड़ी सबसे पैसे वाली महिला इंडस्ट्रियलिस्ट बताई जाती हैं, लेकिन उन्होंने 110 करोड़ की संपत्ति सिर्फ अपने हलफनामे में दिखाई है और इस पर कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं। और ये 11वीं तक पढ़ी लिखी है सावित्री जिंदल जी। इनकी संपत्ति जो मैंने बताया टोटल चल अचल वाहन ज्वेलरी कुल इनकी 110 करोड़ संपत्ति है। इनके बेटे की भी इसी तरीके से इससे ज्यादा संपत्ति है। लेकिन जानकार बताते हैं कि कथित रूप से जो ये बता रहे हैं उससे जो है कम से कम 10 गुना ये संपत्ति होती है। अब एक श्रुति चौधरी जो पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल की पोती हैं, पहले सांसद भी रह चुकी हैं, उनके पास भी चल अचल 110 करोड़ 11 लाख की संपत्ति है। ये चौंकाने वाली बात है कि एक सांसद के पास इतनी संपत्ति कैसे है और कहां से है, ये तो वही बता सकती हैं या सरकार उनसे पूछे। लेकिन सवाल फिर भी यहीं पर है कि जो 110 करोड़ 11 लाख की संपत्ति श्रुति चौधरी ने हलफनामे में दिखाई है, तो ये जैसा कि जानकार बताते हैं कई सीए बता रहे हैं कि कथित रूप से ये 10 गुना हो सकती है, यानी 1000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति हो सकती है। इसी तरीके से सावित्री जिंदल के पास भी 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हो सकती है। एक और उल्लेखनीय नाम है मनमोहन भड़ाना, जो भाजपा के टिकट पर सोनीपत जिले की समालका सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वो पूर्व मंत्री करतार भड़ाना के सुपुत्र हैं। उन्होंने भी अपने हलफनामे में अपनी संपत्ति 100 करोड़ से ज्यादा दिखाई है, जो 110 करोड़ के ही आसपास है। और उनके पिता करतार भड़ाना के पास कितनी संपत्ति होगी इसी तरह अंदाज लगाया जा सकता है कि ये जो 110 करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़ जितनी भी संपत्ति नेताओं ने दर्शाई है ये उससे कई कई गुना ज्यादा है। और कैसे छिपाई जाती है ये सब जानते हैं, मैंने उसका थोड़ा सा उल्लेख कर भी दिया है। अब है चौटाला के पास भी, यानी चौटाला परिवार के सभी के पास अच्छी खासी संपत्ति है। ये घोषित संपत्ति तो अभय चौटाला के पास इनके मुकाबले नहीं है, लेकिन जानकार बताते हैं कि वो भी बहुत मतलब करोड़ों के मालिक हैं और जितनी दर्शा रखी है वो एक तरीके से कथित रूप से मजाक ही कहलाएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन उम्मीदवारों की नेताओं की असली संपत्ति कितनी है, उसका पता कैसे लगे। और वो तो तभी लग सकता है कोई क्रांतिकारी मुख्य चुनाव अधिकारी टीएन सेशन जैसा आए या पार्लियामेंट में कोई ऐसा कानून बने कि एक पैसा भी वो कोई उम्मीदवार या नेता छिपा ना सके और उनको मजबूर किया जाए
कि वो अपनी पूरी असली संपत्ति का विवरण जनता के सामने, देश की जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने रखें, जिससे कि सारे देश को प्रदेश को पता चले कि आखिर इतनी संपत्ति इन नेताओं के पास आती कहां से है, कैसे आती है। और उसका सीधा सा समतलब जो मैंने शुरुआत में कहा कि राजनीति कोई देश सेवा का काम नहीं रह गया। देश जो देश राजनीति में जो लोग आ रहे हैं वो राजनीति को व्यवसाय या इंडस्ट्री समझ कर आ रहे हैं। जो 100 करोड़ लगाता है तो 1000 करोड़ उससे बनाने के लिए आता है और करता है। जो 50 करोड़ लगाता है 500 करोड़ बनाने की उसमें लगा रहता है। और इनके 5 साल या 10 साल राजनीति के सिर्फ और सिर्फ धन कमाने में लगते हैं। आप देख लीजिए कोई भी विधायक, मैक्स मतलब ज्यादातर की बात कर रहा हूं, जो एक बार विधायक मंत्री सांसद बन जाए उसकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है और वो आगे 7 पीढ़ियां उनकी बैठकर खा सकें, इतना वो धन संग्रह कर लेते हैं। तो दोस्तों कहने का मेरा तात्पर्य यही था इस वीडियो में कि जब तक देश की जनता जाति धर्म गोत्र से ऊपर उठकर ईमानदार नेताओं को राजनीति में लाने का काम नहीं करेगी, जब तक इस तरीके के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश नहीं हो सकता और जब तक भ्रष्ट नेता और नौकरशाह राजनीति में हावी रहेंगे तब तक प्रदेश का या देश का भला हो नहीं सकता, गरीबों की समस्याओं का समाधान हो नहीं सकता, आम आदमी की समस्याओं का समाधान हो नहीं सकता, आम आदमी के लिए महंगाई का समाधान हो नहीं सकता। क्योंकि जिस धन से इनकी इन समस्याओं का समाधान होना होता है वो तो जो है भ्रष्ट नौकरशाहों और नेताओं की जेब में चला जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा कि धन राजनीति पर कितना हावी है और इन नेताओं के पास कितनी कितनी संपत्ति है और कहां से आती है और ये कैसे राजनीति का दुरुपयोग करके, राजनीति को धंधा बनाकर अपनी जेबें भरने का काम करते हैं। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना, मिलते हैं कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।